एक बार जो लड़की निकल जाती है वो बार बार वही धंधा करेगी तो हम किस अधिकार से रखेंगे लड़की रखना है जोर डालते हैं कि लड़की रखना है जब लड़का लड़का लर, लर, लेके गया है लड़की तो हम लर, अगर दस दिन में या पाँच दिन में लाता तो हम रख लेते हैं अब दो महीना पे लाएगा तो कैसे रखेंगे बताइए तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो लड़का है वो लड़की को रखे हाँ वही चाहते हैं बिल्कुल तो मतलब जिस तरह से मन चली हो रहा है लड़की दो लड़की थी हाँ, दो दोनों आप की लड़की है आ, नहीं ये वो उनको लड़की है अच्छा ये की। नहीं लगा ऐसा करेगी थे नहीं लगा पढ़ती थी आपकी बच्ची हाँ पढ़ती थी मेट्रिक कर ली है सत्रह साल का है अच्छा मेट्रिक कर लिए सत्रह साल उम्र है उनका आपके हस्बैंड कहाँ है रखिएगा पोती को आएगी ना बउआ ना रखा नहीं रखिएगा ना हम ना रखेंगे उबिया कल हैं इस वक्त हम वैशाली जिला में हैं और वैशाली ज़िला में नकुल नाम के एक लड़के ने रिश्ते को ऐसा शर्मसार किया कि दो अपनी उन्होंने एक आ, कह सकते हैं कि बहन के साथ जो है वो आ, एक अवैध संबंध बनाया और उसके बाद वो भी नाबालिक बच्ची को लेकर वो फरार हो गए उसके बाद प्रशासन के हत्थे चढ़ा प्रशासन के अभी गिरफ्त में जैसा बताया जा रहा है इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं ये उनकी दादी जी हैं और ये उनकी माता जी हैं जो लड़की है जिस लड़के ने इस तरह के रिश्ता को जो शर्मशार किया है अंजाम दिया है वो बेहद ही समाज में जो है असहनीय है बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है हम बात करेंगे एक, कब आपको पता चला कि ऐसा हो गया है घटना दिन से लेते पता ले चल आज सकरा बाद बेटी वाला बेटा वाला मुखिया जी के सरपंच का कहा कि से हम तब बेटा लड़किया लड़की सके भाग गया से करे तो लड़की के साले खोज के लिया लड़की वाला बात हाँ तो कोई व्यक्ति के शरण नहीं मिलेगा एक महीना तीन देखिए मम्मी है उनसे भी बात करेंगे हम आपको कब लगा ऐसा की ए, कि इस... हम सोए हुए थे लड़के बोला मम्मी खाना खाए हम बोले कि हाँ, खाना तो खा लिया तो दवाई खा के सो जा हम बोले कि ठीक है हम तो क्या करेगी तो हम बोला कि हम टीवी देखेंगे ठीक है बेटा ग्रिल बंद करके टीवी देखते रहना हम जा रहे हैं सो जाने दवा खा के हमको सब दिन दवा चलता है तो हम दवा खा के सो गए तो जब उठे एक घंटा पे तो नहीं थी तो हम रुपा रूपा खोजते चल रहे हैं हाँ तो ये तो खाना जब खा रहे थे ना सर तो वो आई अंशु कुमारी आई अंशु कुमारी आई तो बोल रहे थोड़ा सा नहीं दुकान जाना है हम जब सोए हुए थे नहीं हाँ तो दुकान जाना है तो हम बोले कि जिसका जाना है अकेले जाए नहीं जाएगी बोला कि थोड़ा सा नहीं जाएंगे दस मिनट में चले आएंगे तो वो क्या करी कि ले गई जो जोर ज़बरदस्ती ले गई अंशु कुमारी हाँ उसके बाद में हम सो गए सो उठ रहे हैं तो हम सोचे कि अंशु कुमारी के साथ में हैं हाँ तो हम बोले ना आधा घंटा के बाद आधा घंटा के बाद हम जब घर में नहीं ढुकी जब हम खोजने गए तो अंशु कुमारी के रूपा कहाँ है तो वो बोले कि हमको क्या पता रूपा हम कही तू तो अभी ले गई थी मेरा सामने बुलाकर हाँ तो वो बोल रहा है कि हमको नहीं पता जब हम बोले कि रूपा नहीं है हम सब तरफ खोज लिए रूपा नहीं है तो रूपा तो तुम्ही के साथ था तो आप ही तुम्ही ना बताइए तो हमको ऊपर वोटा है ना हूँ आपसे धक्का मार दी कहता है जो करना है कर लेना है हम नहीं और अंशु कुमारी का मम्मी अंशु कुमारी अच्छा अंशु कुमारी की मम्मी है अंशु कुमारी बढ़ जाए बढ़ जाए तो ये जो है पहले से आपको ऐसा पता नहीं चल पाया कि जो नहीं, है ऐसा कोई पूरा काम थे नहीं पता चला कि मेरा लड़की को लेकर चला जाएगा पढ़ती थी आपकी लड़की देखिए बच्चा में पढ़ती थी अभी उसका पढ़ने में बच्चा से इतना थी बदमाशी करती थी कि स्कूल भेजा थे ना तो बैग रास्ता में रह के गोली खेलने रखती थी और नहीं पढ़ी नहीं पढ़ पाई हाँ अपना नाम में ये सब जानती है गांव जिला के नाम ये सब जानती है मतलब कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा एस, कभी नहीं लगा नहीं तो अभी जो है लड़का के जो बाप है वो क्या कहते हैं लड़का के पिताजी क्या कहते हैं लड़का को पिताजी तो देखिए आ रहे आने वाला है क्या बाहर रहते हैं नहीं घर से भागे हुए हैं जय घर से सारा परिवार सभी परिवार घर से भागे हैं तो थाना वाले जो प्रशासन पुलिस प्रशासन जो है आपको क्या कह रहे हैं अभी लड़की रखना है लड़की रखना है जोर डालते हैं कि लड़की रखना है जब लड़का लड़का लेके गया है लड़की तो हम अगर दस दिन में या पाँच दिन में लाता तो हम रख लेते हैं अब दो महीना पे लाएगा तो कैसे रखेंगे बताइए मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो लड़का है वो लड़की को रखे हा, हा, है चाहते हैं बिल्कुल तो मतलब जिस तरह से मान चलिए हो रहा है लड़की दो लड़की थी न दो दोनों आप ही की लड़की है नहीं ये वो उनको लड़की अच्छा एक इनकी लड़की है एक आपकी लड़की है लड़का एक है वो है ना दोनों को मतलब ले चला गया हाँ था। दोनों के और पूछने पर बोलता जैसे हम तो जैया लड़की आई तैया हमको कुछ प्रशासन कुछ पूछने नहीं दिए हुआ से थाना पर से भगा दिए अब क्या प्रशासन सिखा पढ़ा के बोल रहे हैं कि बोलना कि कमाने जाना है वही बात वो बोल रही है कि कमाने गए थे जब कमाने गई थी तो एक बार तो कॉल करती कि हाँ मम्मी यहाँ है हम कमाने आए हैं हमको मंजूर होता तो वहाँ पर कमाने देते नहीं मंजूर होता तो यहाँ पर हम ले आते जो लड़का है उसका उम्र कितना होगा सत्रह अठारह होगा अच्छा उसका भी सत्रह अठारह है दोनों नाबालिग ही है देखिए और मम्मी देखिए माँ का हाल देखिए किस तरह से एकदम बिल्कुल ख़राब है देख सकते हैं ये इंट्राकिट लगा हुआ है हमको लगता है कि बिल्कुल स्थिति ख़राब है बात करने के भी लायक नहीं लग रही हैं लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बीमार पड़ गई हैं जिस तरह से इनकी बेटी कहें या जो जो भी इनके साथ चाहे वो धोखे में बहला फुसला कर ले गए हों या जैसे भी ले गए हों जिस तरह से इनके साथ जो है हुआ है वो बिल्कुल ही अशोभनीय है एक समाज में एक सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है उनकी माँ है तबीयत ज़्यादा खराब हो गया है कभी ऐसा लगा नहीं आप लोगों को बच्ची जो है इस तरह की मतलब नहीं लगा कि ऐसा करेगी नहीं लगा पढ़ती थी आपकी बेची हाँ पढ़ती थी सत्रह साल का है अच्छा मेट्रिक कर लिए सत्रह साल उम्र है उनका आपके हसबेंड कहाँ है वो भी होंगे मजदूरी करते हैं मतलब यही गांव में ही रहते हैं ना हुँ. तो अगर आप क्या करिएगा प्रशासन तो कह रहे हैं कि आप रख लीजिए बच्ची को क्या है आपकी इसमें क्या कहते हैं आप प्रशासन लेके आई थी दोनों लड़की को बोला कि वाले रखो हम बोले नहीं रखेंगे हम कैसे रखेंगे दो महीना पर कहाँ से आई है कैसे गई थी से वो लड़का ले गया है तो ही ना समझेगा हम नहीं रखेंगे तो हमको लेडीज पुलिस धक्का दे के गिरा दिया नहीं रखेगी जेल में तुमको सबको रख देंगे ना तो रखना पड़ेगा हमको उठा कर दोनों को जेल भी ले गया वहाँ ले गया थाना पर पुलिस वाले थाना ले गया अब दोनों को जी वो दबाव बना रहे हैं कि रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा तो जेल भेज देंगे स्थिति में मेरा तीन दिन से स्थिति खराब है अच्छा जैसे दो महीना बाद जो है पता चला आपको दो महीना हो गया गायब हुए हुए बच्ची को तो आप थाना में आवेदन दे दिए थे हाँ, केस हुए थे केस केस किए किए वही सिलसिले में उसका माँ जेल में है हाँ, लड़का का लड़का का माँ भी जेल में ही है मतलब केस कर दिए थे आप पहले हाँ, अब थाना वाले आपके दबाव बना रहे हैं कि नहीं आप केस किए थे अपने से जैसे गई है वैसे हाजिर हुआ है थाना पर तीनों अब बोल रही है थाना पर जब हाजिर हुए तो हमको लड़की से बात करवा के अब बोला कि बोला अपना माँ को बोला जब थाना पर आ गए तो हम गए वहाँ पर मगर हमको मिलने नहीं दिया गांव समाज में भी पंचायत हुआ था क्या हाँ गांव समाज में हुआ है पंचायत क्या बोल रहा है स... गांव समाज के लोग मुखिया सरपंच सबको बुला के उ लाए हैं प्रशासन और वो सब बैठल था वो सब बोला कि हम साइन करते हैं जो लड़की छोड़ के जाइए तब लेकिन आप जितना भी साइन कीजिए हम लड़की ना रखेंगे वो लोग साइन भी कैले है तैयो हम लड़की नहीं रखें नहीं।, नहीं रखेंगे, तो नहीं रखेंगे। लड़का अभी कहा जेल में है लड़का कि लड़का को बोला जा रहा है की लड़की खुद बोलिए आए है यहाँ सिलेंडर हुए हैं तो देख सकते हैं माँ का क्या हाल है जिस तरह से इनकी बच्ची ने जो एक कह सकते हैं शर्मनाक हरकत की है और जिस तरह से उस लड़के ने किया है वो बेहद ही घटिया है बेहद ही शर्मनाक है दादी है उनकी इनकी एक लड़की की माँ है और दूसरी लड़की की माँ वो हैं लड़का जो है एक लड़का है कम से कम सोचना भी चाहिए कि इस तरह की घटिया हरकत कैसे करें चलिए अगर आप बाहर करते दूसरे जगह करते तो एक चलता भी आप घर में ही इस तरह की घटिया हरकत कर देते हैं परिवार वाले के साथ ही तो ये बिल्कुल ही अशोभनीय है बिल्कुल ही शर्मनाक है दादी हैं माँ हैं सारे लोग घर के परेशान हैं सारे लोग बिल्कुल ही परेशान रखिएगा पोती को आएगी तो। ना बउआ ना रखम नहीं रखिएगा ना हम ना रखेंगे बोलते हैं एक बार जो लड़की निकल जाती है वो बार बार वही धंधा करेगी तो हम किस अधिकार से रखेंगे ओके तो चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए देखते रहिए प्राइम अड्डा मिलते हैं। किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया